नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्य पारसी। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस समय हम मौजूद हैं स्वामी सर्वजानंद में, जहां देखा जाए कि स्ट्रांग रूम बना हुआ है, जहां मतगणना 13 तारीख को होनी है। वहीं हमारे बीच कुछ प्रत्याशी जो हैं यहां पर निगरानी के लिए कई दिनों से इस जगह मतगणना स्थल पर बैठे हुए। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या है यहाँ पर बैठने का इन लोग का रीज़न। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान है मेरा नाम। इमरान, आज आप स्वामी सदानंद कॉलेज में मतगणना जहाँ होनी है वहाँ पर आप बैठे हुए हैं, क्या है आप लोग बैठने की? बस बैठ कर निगरानी कर रहे हो? कुछ नहीं। किस चीज़ की निगरानी? अपने दान पेटी का और पेटी की। दान पेटी की? हाँ। क्या लगता है? ठीक लगता है हमारे तरफ से तो, इधर सब कुछ बढ़िया है, व्यवस्था होता सब कुछ ठीक है। किस बूथ से हैं आप? हम जंगीपुर से हैं। अच्छा, जंगीपुर। निर्दलीय प्रत्याशी अशरफ अली उर्फ अब्बास भाई की तरफ से है। अशरफ अली अब्बास भाई की तरफ से। यहाँ पर क्या मतलब, अगर आप लोग की निगरानी ना हो, बदलने का चांस लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है, तभी तो बैठा है इधर हम लोग। जी, वही हमारे साथ आप भी हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद रानी। साजिद जी, आप कहाँ से हैं? जंगीपुर से। जंगीपुर निर्दल प्रत्याशी के। जी जी, आज आप स्वजनंद में बैठे हुए हैं जी, क्या मतलब स्ट्रांग रूम कहाँ बैठे हुए हैं आप निगरानी के लिए? यहीं भी बैठे अभी हम लोग। जी, 100 मीटर दूरी से बैठा जाता है। 100 मीटर बोले हैं लोग, 100 मीटर दूरी बैठो तो 100 मीटर दूरी हम लोग बैठे हैं, निगरानी कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या निगरानी अगर नहीं करेंगे नहीं तो? भैया, इससे पहले बहुत बड़े बड़े चुनाव हुए, इसी में चोरी हुआ है, तो हम लोग को डर लग रहा है कि हमारा जो प्रत्याशी है हार जाएगा, इसलिए हम लोग बैठे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन भी यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, पुलिस भी मुस्तैद है, तब कैसे हो सकता है ये? भैया, पुलिस को क्या देख ही रहे हैं आप माहौल सब, आपको क्या बताना है। वहीं लोग सजानंद में कुछ बसपा पार्टी से भी दिख रहे हैं नीले गमछे के साथ। आइए, प्रत्याशी भी हमारे पास मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आज आप स्वामी सजानंद में मतगणना होनी है, वहां पर आप लोग मुस्तैद हैं, क्या है मामला ये? मेरा नाम सुभाष चौहान है, मैं बहुजन समाज पार्टी से नगर पालिका परिषद गाजीपुर के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। आज मतगणना स्थल पर हैं आप, कई दिनों देखिए मतदान संपन्न होने के बाद जी मत पेटियां लोकतंत्र के महापर्व की जो माइंडेड जनता ने दिया, वह माइंडेड मत पेटी में बंद होकर के, और यहां जंगीपुर है और आगे हमारे नगर पालिका परिषद गाजीपुर की मत पेटियां रखी हुई, तो जो वर्तमान सरकार के हालात हैं जिसमें लोकतंत्र की गला घोटकर हत्या की जा रही है, आम आदमी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है, तमाम उदाहरण हैं, कई दिन लग जाएंगे आपको बताने में। जी, ऐसे में आप लोग मतलब मतगणना स्थल पर हैं निगरानी के लिए मतलब लगे हुए हैं भाई? निगरानी इसलिए कि अभी पूर्व में आपने विधानसभा चुनाव में 22 में देखा होगा, कम से कम दर्जनों से ऊपर खबरें आई, और मैं धन्यवाद दूंगा आप जैसे चैनल को कि जो बहुत बड़े उद्योगपतियों के बस में न होकर के आप आम जनता की बात को पहुंचाते हैं, इसलिए आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं कि जो पूर्व की घटनाएं हुई हैं, तमाम तरह के मतपेटियों को बदलना, तो क्या बाद में सफाई प्रशासन की ये खाली पेटी है तो ये चेंज हो रहा था, तो खाली पेटियाँ वापस जा रही थी, तमाम तरीके के ऐसी घटनाएँ सुनने को मिली। तो एक पुरान कहावत है कि दूध से मुंह जल जाता है तो माठा भी आदमी फूंक के पीता है, तो जो डर है कि कहीं न कहीं इनकी जो मानसिकता दूषित है तो कहीं न कहीं ये हेरा फेरी करेंगे ही, तो अपनी आदत से बाज, कहा गया है कि हरकल मान जाई परकल ना मानी तो वही खिस्सा है। तो हम ऐसे में देखा है तमाम अधिकारी MDM और SP भी यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और प्रशासन भी है, तब कैसे हो सकता है? अरे भाई, तो शासन और प्रशासन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, आप भी जानते हैं जी। शासन और प्रशासन दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, वो जो कहेगा वो उसका पालन कराएंगे, तो आप कैसे यकीन कर लेंगे जनता के जो माइंडेड मिला है कि उस पर जो है कि डकैती नहीं हो पाएगी, एकदम अगर थोड़ी सी भी ढिलाई दी जाए तो ये जनता के माइंडेड को भी लूट लेंगे। मतलब ऐसे में आप लोग निगरानी 13 तारीख तक करेंगे? एकदम करेंगे, मतगणना होनी है, एकदम करेंगे, और उस हद तक करेंगे कि वहाँ एक परिंदा भी पर न मार पावे, और हमारे लोग एकदम निगाह
लगाए हुए हैं कि थोड़ी सी भी अगर कहीं से अगर हिला वाली हुई तो मुंह तोड़ जवाब इस बार दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या लगता है गाजीपुर में अपील क्या रहेगा, साइकिल, कमल या निर्दल या हाथी? देखिए गाजीपुर में सीधे सीधा बीजेपी और बीएसपी की लड़ाई है। ये प्रत्याशी पूर्व में एक बार लड़ के अपनी किस्मत को आजमा चुके हैं और पार्टी से लड़ कर के 3200-3800 वोट पा करके सिमट चुके हैं। अब वो जितना हवा भर लें कि जो हरकतें इन्होंने किया है उस हरकतों पे इनको गुमान है, भरोसा है कि हम भी आ रहे हैं लड़ाई में, लेकिन उसका जवाब 13 तारीख को मतपेटी खुलने पर पता चल जाएगी कि नगर की जनता बिकाऊ नहीं टिकाऊ है। ये थे हमारे साथ बसपा प्रत्याशी सुभाष चौहान, ने भी बताया कि मतपेटियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर लोग आए दिन आना जाना भी लगाता है, ड्यूटी भी दे रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, कुछ कार्यकर्ता भी हैं बीएसपी के, उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। जी आज आप सजानंद में स्ट्रांग रूम के पास आप लोग हैं, क्या है ये पकड़ना रहने का आप लोग का? देखिए मतपेटकों की सुरक्षा की गारंटी जो है पहले तो सरकार की होती है, शासन की होती है, लेकिन शासन ने व्यवस्था बनाया है कि यदि आपको सुरक्षा के दृष्टिकोण में छेद नजर आता है तो आप अपना आदमी या कार्यकर्ता लगा सकते हैं। तो चूंकि हमारे कैंडिडेट का एकदम पास में ही घर है, इसके सटी हुई दीवार से आपका घर लगता है और हम लोग कभी भी आ जाते हैं, हमेशा देखते रहते हैं। स्ट्रांग रूम की मतलब निगरानी कर रहे हैं? हाँ, एकदम कहीं बदल ना जाए। हाँ, प्रशासन शासन भी लगा हुआ है। नहीं, एकदम एकदम उनकी ड्यूटी है, उनकी भी ड्यूटी है, मेरी भी ड्यूटी है, क्योंकि दोनों की ड्यूटी मिल करके ही चलेगी ना। मतगणना स्थल तक, मतगणना तक तो हम लोग साथ ही साथ चलेंगे। वो अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, हम अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, दृष्टिकोणों का अंतर है बस। ये थे हमारे साथ सजानंद विद्यालय में, जहाँ आप देख सकते हैं लोगों को 13 तारीख को मतगणना होनी है, उसी को लेकर लोग अपने अपने आप देख रहे थे। गाजीपुर से पंजाब केसरी टीवी के लिए आरिफ फारसी की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।